अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चने। तो ये हमने टमाटर काट लिए हैं। टमाटर जो है, अब हम टमाटर और प्याज दोनों एक साथ ग्राइंड करेंगे, और उसके बाद जब हम जो है स्टार्टअप करेंगे मसाला बनाने के लिए, तो फिर हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। ये प्याज डाल दिए हैं और इन दोनों के साथ ग्राइंड कर लेंगे, ये पेस्ट बन जाएगा। फिर जब हम स्टार्ट करेंगे तो मसाला बनाएंगे, फिर हम इसके साथ कंटिन्यू करेंगे। ये हम जैतून का तेल यूज कर रहे हैं, ओलिव ऑयल आधा कप। टमाटर और प्याज हमने रेडी कर लिया है, और अब हम स्टार्ट करेंगे छोले बनाना, अंडा छोला। तो यहाँ पे ये इस तरीके से आते हैं, दूसरे बाजार से भी मिल जाते हैं, मगर ये जो है इनको पानी में भिगोने की ज़रूरत नहीं होती, ये ऑलरेडी भिगे हुए होते हैं कंपनी से ही, और गले हुए भी होते हैं। अब जो हम ये बना हुआ पीस डेक्ची में डाल रहे हैं, इसमें हमने इतना पकाना है इसको कि इसका पानी ड्राई हो जाएगा, देन हम इसके जो है यूज़ करेंगे, मसाले वगैरह डालेंगे। पहले इसका पानी ड्राई करना है आपने, जो ग्राइंड करते हुए हुआ है इसका पानी बना है साथ में। पेस्ट जैसा कि हमने हल्की आंच पे पका रहे हैं उस पेस्ट को, इसका जो पानी बना था वो ड्राई हो जाएगा, साथ में हमने मसाले मिक्स करने हैं इसके अंदर। उसके बाद जो है हम इसमें ऑयल डालेंगे, जैसा कि हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं, और अब ये तमाम हम मसाले, लाल मिर्च, ये थोड़ा और अच्छे तरीके से ये मेल्ट हो जाएगा। हसीब, हमने क्या क्या डाला है इसमें? हम लोगों ने हल्दी डाली है, ठीक है, लाल मिर्च एक चम्मच डाली है, ठीक है, गरम मसाला डाला है, ठीक है, सही। इसके अलावा हम लोगों ने इसके अंदर काली मिर्च साबुत डाली है, तेज पात डाला है, और दालचीनी डाली, सही, और तीन से चार छोटी इलायची, हम छोटी इलायची, ठीक है। अब ये मसाला तैयार हो गया, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। जैसे कि अब हम जैतून का तेल डाल रहे हैं, इसमें मसाला हमारा तैयार होने को है। ये हमने ओलिव ऑयल डाल दिया है। अब हम इस मसाले को और पकाएंगे, और जब ये प्रॉपर रेडी हो जाएगा उसके बाद हम इसमें छोले डालेंगे। हाँ बोले, जैसा अंदरक हमने पेस्ट के बजाय इसको कूट लिया है, हमें कूटा हुआ पसंद है, आप चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हैं। ये तकरीबन दो चम्मच इसके अंदर लहसुन अदरक हमने ऐड कर दिया। और अब दही की बारी आ गई, लोग अक्सर पूछते हैं कि दही कहाँ से इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर ये मैटिक का दही है, ये बहुत अच्छे से फ्रेश दही है, इसको इस्तेमाल करेंगे, और इसको इतना इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी से भून। अच्छा, ये दही हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, ये आमतौर पर हम देख रहे होते हैं कि दही खट्टा होता है, हम पाकिस्तान में बना रहे थे, तो यहाँ पे जब हम दही यूज़ कर रहे हैं ये कंपनी पैकिंग शुदा होता है, और बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता, नॉर्मल होता है, ना मीठा होता है ना खट्टा होता है। ये चने बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, और ये आप देख सकते हैं कैसे निखरे चने हैं, खिले खिले चने। अब हमने जो है चने जो है डाल दिए हैं इसमें, अब हम इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, और इसमें दही की वजह से मसाला अच्छा बन गया है, और हम जो है इसको ज़रूरत जितनी हमें नीड होगी हम उतना पानी भी इसमें डाल सकते हैं। शुरू में डाल दिया था हमने नमक और डाला है हसब जायका, और इसके साथ ही इसमें ज़ीरा कूट के डालेंगे। ज़ीरा हमने इसमें कूट के जो है मिक्स कर दिया है, और सबसे एंड में जो है हमने काली मिर्चें डालेंगे इसमें। बस हम जो है इसमें और पानी भी ऐड करेंगे थोड़ा सा इसमें है, क्योंकि हमने इसमें अंडे भी फिर डालने हैं, उसी हिसाब से हम अंडे साथ में बॉईल करेंगे, और इसके एडवांस में हम लोगों ने पानी भी थोड़ा सा डाल दिया है, आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें।
साथ में हमने अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए हैं और सालन भी रेडी हो रहा है। जैसे ये अंडे बॉयल हो जाएंगे उसके बाद ये हम इसमें जो है ना अंडे छील के डाल देंगे। इन चनों की खास बात यह है कि आपको इनको पूरी रात के लिए भिगो के नहीं रखना पड़ता और जो है आपको मीठा सोडा भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। यहाँ पे इस पैकिंग में आते हैं और टिन पैक में भी आते हैं, जार में भी आते हैं, तो सबसे हमारे लिए आसानी ये है कि हमें वेट नहीं करना पड़ता है। जब चाहो जब जाना चाहें आप ढक्कन खोलें और बना लें। आपने इनको हल्की आंच पर पकाते रहना है और जब तक इसकी तरी ऊपर ना जाए, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ऑयल जो है वो थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हुआ है। जैसे ही ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाएगा तो इसका मतलब ये कि आपका खाना तैयार है। छोले हमारे तैयार हो चुके हैं और साथ में अंडे बॉयल किए जा रहे हैं और इसको जो है हम अंडे बॉयल होने के बाद छील के इसमें डालेंगे और उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि कैसा खाना बना है। और जो लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनसे यही दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर ये बनाया है, हसीब हैं और आसिफ हैं, तो उनका भी शुक्रिया, उन्होंने मेरा साथ दिया इस डिश को बनाने के लिए। काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। शुक्रिया बहुत बहुत, जजाक।